जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चेहरा देखना हटा। लक्ष्मी 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 ऋषि लक्ष्मी ऋषि तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे मलिश का कहीं नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढा उसे, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। मिल जाएगी बलविंदर यहाँ पे और वो बुरखे वाली आंटी भी यहाँ पे, तो आई एम श्योर मलिश का भी यहाँ आसपास ही कहीं होगी। हाँ बलविंदर है, तुमसे कहा था ना बलविंदर होगा यहाँ पे, तो तुम रिलैक्स करो यहाँ पे आराम से बैठो, मैं मलिश्का को ढूंढ के आता हूँ आराम से। अगर मुझे लक्ष्मी ने देख लिया है तो मुझे उसके लिए कोई जवाब ढूंढना होगा, वरना वो बोल देगी कि मैं ही थी बुरखे में, फिर खुद को बचा नहीं पाऊंगी मैं। मलिश्का बलविंदर लिया तुमने। अरे उठ, तो क्या कर रहा है पागल, मर जाएगा। मरा नहीं मैं अभी। अरे मर जाएगा, मैं बोल रहा हूँ जल्दी जा, ऋषि लक्ष्मी अंदर ही है। तुम भागो, तुम निकलो जल्दी। मैं हाँ मैं वो कहाँ है? क्या इधर से भागो? अरे सामान मंगाया था, वो कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी तो जल्दी भी जाने जाके भाग, ऋषि लक्ष्मी कभी बाहर आ जाएंगे, भाग यहाँ से जल्दी। जाओ जल्दी चल। तब तक मैं अपना काम करती हूँ। ऋषि नहीं उठो। मलिश्का नहीं मिली आसपास कहीं, हर जगह ढूंढ ले, कहीं नहीं मिली वो। तो कहाँ होगी फिर मलिश्का? तो यहाँ से चलते कहीं ढूंढते बाहर। आ जाओ चलो आराम से। चलिए सर, टाइम हो गया है लक्ष्मी ओबेरॉय को अरेस्ट करना है। इंस्पेक्टर कौन है? आप सर, सॉरी सर, वो क्या है ना कि केस फट फट बंद करके मुझे ना छुट्टी पर जाना है, और डिपार्टमेंट में मेरा नाम अलग से होगा कि मैंने इतना बड़ा केस जो सॉल्व किया अकेले, मतलब आपके साथ, मतलब आपने केस सॉल्व किया और हम आपके साथ थे। अभी केस सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लक्ष्मी ओबेरॉय को पकड़िए, केस खत्म। अरे मलिश्का खुद ब खुद आकर खड़ी हो जाएंगी, आप शर्त लगा लो। इंस्पेक्टर मुझे अपना बयान देना है। साला बाड़े की गाड़ी ली थी लेके भाग गई, पैसे दिए नहीं अभी भी। ऊपर से ऋषि मार मार के हड्डियां चूर कर दी, पता नहीं कौन सी ब्रांड का प्रोटीन खाता है साला। मलिश्का को कुछ बता नहीं पाया, सारा क्रम कांड करा मलिश्का ने, फिर की बन गई बलविंदर की, ऋषि के आने से सारा काम गड़बड़ा गया। अब अगर मलिश्का ने बोल दिया ना कि लक्ष्मी ने ये कांड किया, ऐसा जेल जावेगी, जमानत नहीं होने की जिंदगी भर। ऋषि को बहुत कुछ पता चल गया अब तो। एक सेकेंड, बलविंदर कहाँ गया? बलविंदर तुम यहाँ छोड़ के गए? हाँ यहीं पे था, और मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने उसे, पता नहीं कहाँ चला गया। ऋषि क्या हुआ? हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा,
ना कोई सबूत, ना किडनैपर्स, मलिष्का भी नहीं मिली। तुम्हें याद है ना, मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत देना था। और अब लक्ष्मी, लक्ष्मी डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत। जेल नहीं जाओगी तुम, प्रॉमिस, सीमेंट प्रॉमिस। पता है तुम कभी कुछ नहीं होने दोगे। यार थैंक यू मुकेश। सोनिया ये सरप्राइज। हाँ बट ये सब, ये हमारे लिए, हमारे फेवरेट डिशेस टाउन से ऑर्डर किए मैंने। क्यों? पार्टी टाइम है बुआ, हम ही दो तो है जो पार्टी करेंगे, बाकी सब तो सल्क करने वाले हैं, वो भी विदाउट एनी रीजन। मैं कुछ समझी नहीं। इम्पॉसिबल, आप कैसे नहीं समझ सकते हो? लक्ष्मी का लास्ट डे है इस घर में, उसका टाइम खत्म होने वाला है इस घर में भी, और जो पुलिस ने दिया ना वो भी, और उसका जो ये नाटक होता है ना अच्छे बनने का, वो भी खत्म होने वाला है। आई नो, ओ माय गॉड, आज का दिन तो सबसे खुशी का दिन है, फाइनली लक्ष्मी से हमें छुटकारा मिल रहा है सोनिया। एग्जैक्टली, इसीलिए तो पार्टी करना है, कम ऑन लेट्स एंजॉय। सच बट सोनिया, इतने दिनों बाद इतनी खुशी का देना है, वरना जब से वो लक्ष्मी इस घर में आई है उसने तो हमारी हर खुशी छीन लिया है। जस्ट हेट हर सो मच। मी टू बुआ, आई कांट इवन लुक एट हर फेस, बट आई जस्ट होप वो फिर से कोई ऐसी चालाकी करके खुद को इनोसेंट साबित ना कर दे। इम्पॉसिबल है बुआ, क्राइम किया है उसने, और देखो वो अब तक घर भी नहीं आई है, तो उसके पास कोई सबूत भी नहीं होगा अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। आई नो सोनिया, बट आई स्टिल कांट ट्रस्ट हर, कहीं उसने मलिष्का को कुछ कुछ इधर उधर ऐसा वैसा कर दिया तो फिर। बुआ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, टाइम ही नहीं है उसके पास, और जैसे ही पुलिस लक्ष्मी को पकड़ लेगी ना, मलिष्का खुद ब खुद मिल जाएगी, है ना? सो नो वरीज फॉर अस, वी जस्ट हैव टू एंजॉय। ये लो, चेयर्स। हाँ प्लीज प्लीज मेरा बयान लिख लीजिए प्लीज। तुम मलिष्का ही हो ना? हाँ मैं मलिष्का ही हूँ, लेकिन एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं मलिष्का हूँ? तुम्हारे पेरेंट्स आए थे रिपोर्ट लिखवाने, तुम्हारे किडनैपिंग की। हाँ मेरी किडनैपिंग हुई थी, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ ना। आप प्लीज प्लीज मेरा बयान लिख लीजिए। बयान बाद में हो जाएगा, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना इलाज खुद करा लूंगी। आप प्लीज प्लीज मेरा बयान लिख लीजिए ना। देखिए तो सही, कितनी चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है, आपको खुद को संभालने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, और ये चोट लगी है तो सबूत है ना इस बात का कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे कितना मारा गया है, कितना टॉर्चर किया। अगर मैं वहां से नहीं भागती ना तो वो लोग मुझे मार डालते। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज मेरा बयान लिख लीजिए प्लीज। मैडम एक काम करते हैं, आपको मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं बयान ले लूंगा, ठीक है? नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा मैडम। हो जाने दो ना यार, बोल तो रही हो, और अगर मेरे बयान लेने से पहले मुझे कुछ हो गया तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? गुनेगार को कैसे सजा दिलाएंगे? कुछ नहीं होगा, आप प्लीज मेरा बयान लिखिए ना, मुझे बताना है। काम करते हैं, आप कुछ फोटोज लीजिए, ये सबूत के लिए काम आएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।